किसी ने क्या खूब लिखा है कि औलाद की खातिर जमाने भर से लड़ गया वो, औलाद की खातिर जमाने भर से लड़ गया वो, उसके जाते ही घर अकेला पड़ गया वो। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने लेके आए हम बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी। ये कहानी है राधेश्याम की और उसकी बीमार पत्नी की। राधेश्याम की पत्नी जो काफी बीमार है, जो कैंसर के आखिरी स्टेज में है, राधेश्याम और उसकी पत्नी दोनों एक ही चारपाई पे बैठे हुए हैं। राधेश्याम ने अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा है। एक गहरी उदासी छाई हुई है, एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, दोनों तरफ खामोशी है। राधेश्याम भी खामोश, उसकी पत्नी भी चुप है। अचानक राधेश्याम की पत्नी ने कहा कि क्या मेरे मरने के बाद तुम अपने बेटे राजू की परवरिश कर पाओगे? मुझे चिंता है कि क्या मेरे मरने के बाद तुम अपने बेटे को संभाल सकोगे? मुझे यही चिंता खाए जा रही है, मुझे मरने का डर नहीं है। राधेश्याम ने अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। राधेश्याम की पत्नी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को माँ की कमी महसूस ना हो, मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान, एक बड़ा अफसर बने। राधेश्याम ने उसे वचन देते हुए कहा कि जो कुछ भी हो जाए मैं पूरी मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा और अपने बेटे को एक बड़ा अफसर बनाऊंगा, मैं उसे जीवन में कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ऐसा सुनकर राधेश्याम की पत्नी इस संसार को छोड़ के चली गई, उसने इस संसार को अलविदा कह दिया। राधेश्याम ने भी अपने वादे के मुताबिक जी तोड़ मेहनत की, मजदूरी की, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसे एक बड़ा अफसर बना ही दिया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसने आज अपनी पत्नी से किए हुए वादे को पूरा कर दिया था। आज उसका बेटा राजू एक बड़ा अफसर बन चुका था। समय बीतने लगा, महीने बीतने लगे, साल गुजरने लगे, राधेश्याम भी अब बूढ़ा हो चला था। एक शाम को राधेश्याम ने सोचा कि क्यों न शहर जाकर राजू से मिला जाए, क्या पता जीवन की कब आखिरी शाम आ जाए। अगले दिन सुबह उठते ही उसने अपना सामान बांधा और वो शहर की तरफ रवाना हो गया। जो ही शहर पहुंचा वो सीधा अपने बेटे राजू के ऑफिस पहुंच गया, बहुत ही आलीशान ऑफिस। अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ उसका बेटा राजू, वो सीधा अपने बेटे राजू के पास पहुंचा, उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा कि बेटा बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? राजू ने कहा कि पिताजी इस दुनिया में सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे महान आदमी मैं हूँ। उसके सारे सपने टूट गए, राधेश्याम की सारी इच्छाएं टूट गई। उसकी सोच थी कि उसका बेटा राजू कहेगा कि पिताजी इस दुनिया में सबसे बड़े तो आप हैं, क्योंकि आप ही की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप ही की बदौलत मैं अफसर बना हूँ, आप ही की बदौलत मैं कामयाब हुआ हूँ, आप ही दुनिया के सबसे महान आदमी हैं, आप ही दुनिया में सबसे बड़े हैं। लेकिन राजू ने तो अपने आप को सबसे बड़ा बताया। उसका दिल टूट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गई, वो वापिस चलने लगा। जो ही दफ्तर का गेट खोलकर बाहर निकला, उसके पीछे उसे अपना बेटा राजू आता हुआ दिखाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा और वही सवाल दोबारा पूछ लिया कि बेटे राजू बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? राजू ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि पिताजी इस दुनिया में तो सबसे बड़े आप हैं। राधेश्याम का सिर चकरा गया, उसे समझ में नहीं आया कि अंदर कुछ जवाब और था और बाहर कुछ जवाब और है। उसने अपने बेटे से कहा कि थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा मैं हूं और अब तुम सबसे बड़ा अपने पिता को बता रहे हो, क्यों? राजू ने कहा कि पिताजी जिस वक्त अंदर तुमने मुझसे ये प्रश्न किया उस वक्त तुम्हारा हाथ मेरे सिर पर था, और जब बेटे के सर पर उसके पिता का हाथ होता है वो बेटा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता है, सबसे महान होता है। इसलिए वहां मैं महान था क्योंकि उस वक्त तुम्हारा हाथ मेरे सर पर था, अब तुम महान हो, बाहर आकर जब तुमने मुझसे प्रश्न किया है तो मैं कहता हूं कि अब तुम महान हो, जब अंदर थे तब मैं महान था। उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने दौड़कर राजू को अपने गले से लगा लिया। आज उसकी की गई मेहनत रंग लाई, उसका सपना पूरा हुआ, आज वो खुश था,